हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको शुरू से सूट की कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू से जानिए सूट की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो बिना इंची टेप की भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का नाप लिया है। तो ये देखिए, इस कुर्ती का हमने नाप लिया है जो कि ये बिल्कुल परफेक्ट साइज आती है। ये तो जो भी साइज आपका हो, बिल्कुल परफेक्ट वाला साइज लेना है। तो यहाँ हमने बिल्कुल फिटिंग वाला साइज ले लिया है। और ये हमने फैब्रिक लिया है जो कि 2 मीटर का फैब्रिक है। तो इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे। इस टाइप से हमने ओपन किया, उसके बाद इसको करेंगे डबल फोल्ड। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे ये डबल फोल्ड हो गया क्योंकि हम आगे पीछे का एक बार में ही निकाल देंगे। उसके बाद हम इस टाइप से 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ देखिए, ऐसे सफाई से इसको अच्छे से सफाई से, इसमें हम हाफ स्लीव्स बनाएंगे। कुर्ती में फुल स्लीव्स है बट इसमें हमें हाफ स्लीव्स बनानी है। ये देखिए, हमने इसको ऐसे रख लिया। ये लंबाई में रखते हैं, यानी कि जो ये कोड होती है, कोड को हम अपने फिटिंग के साइड रखते हैं, तो वो हमने रख लिया। अब इसको इसके ऊपर नाप डालेंगे। तो जिस भी नाप का आप कुर्ती बनाना चाहते हैं, उसको आपको दोनों पल्ला को अच्छे से मिलाते हुए इसके ऊपर डालना है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर रख लिया है ये, और 2 इंच नाप से एक्स्ट्रा ये फैब्रिक रहना चाहिए क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर हमने सही तरीके से इसको बैठा लिया है। अब लगाते हैं मार्क। तो सबसे पहले हमें यहाँ से देखना है, जहाँ से चाक ओपन होती है वहाँ पे एक ऐसे मार्क लगाना है। तो ये मार्किंग हमने लगा लिया। अब देखिए, इसको ऐसे पहले अच्छे से रख लेते हैं। उसके बाद हमें कौन सी मार्किंग लगानी है, यहाँ, यानी कि आर्म होल वाली। तो यहाँ से रेडी है ये, और हम 1/2 इंच ये रेडी है। अच्छा, टूट गया है। तो इसके 1/2 इंच ऊपर से ही मार्क लगाएंगे ताकि ये स्टिचिंग में जाएगी तो बिल्कुल रेडी पे आ जाएगी। अब लगा देते हैं फिटिंग वाली मार्किंग ऐसे, ये। तो ये बिल्कुल फिटिंग वाली है, तो इसमें हम गोलाई का अच्छे से शेप दे देंगे। तो देखिए, ये हमने शेप दे दिया है। उसके बाद यहाँ से मार्जिन वाली ऐसे, तो ये हमने मार्जिन वाला लगाया। अब यहाँ से हमें ये बिल्कुल फिटिंग वाली थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। और ये जो है, ये एक्स्ट्रा जो फोल्ड होगी। उसके बाद अब नीचे लगाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इतना रेडी वाली हो गया और ये इतना फोल्ड में जाएगा ये। अब यहाँ हमने ये मार्किंग साइड वाली तो लगा ली कंप्लीट। अब इधर देखिए, तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं। यहाँ से नेक है। अब नेक में जो भी डिजाइनिंग बनाना हो, इतना के अंदर बनाएंगे। और यहाँ से रेडी वाली शोल्डर है ये, तो 1/2 इंच हम ऐसे बढ़ा के लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करने के बाद रेडी आ जाए। अब इसको ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। तो ये लाइनिंग को यहाँ तक पहले सीधा कर लेते हैं ऐसे। अब इसको एक बॉक्स बनाना है। ये देखिए, ऐसे हमने मार्क लगा लिया। इसमें 1 इंच का ऐसे गोलाई देना है। ये देखिए ऐसे। उसके बाद यहाँ पे गला बनेगी, तो गला के लिए इसी साइज से ऐसे मार्क लगा लेते हैं। ये जो हमने शोल्डर गला के लिए शोल्डर के पास से जो मार्क लगाया था, अब इसको एक बॉक्स बना देंगे। इसमें हम गोल सा शेप देंगे जो कि गला का होगा। उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच का ऐसे डन देते हैं, यानी कि ये गिराना बहुत ज़रूरी है, तब इससे हमें फिनिशिंग आती है। देखिए, तो हमने सारे मैनेजमेंट ले लिया। ये देखिए ऐसे। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ से हमें गला कटिंग पहले करना है। तो गला हमें बस गोल ही रहने देना है क्योंकि हमें कोई डिजाइनिंग नहीं बनाना है। एक को थोड़ा बड़ा, एक को थोड़ा छोटा रखेंगे, तो वो अलग अलग हम पल्ला करते टाइम बैक वाले को बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे। अब इधर से नीचे से बराबर कर लेते हैं। अगर छोटा बड़ा हो तो इसको हमें बराबर कर लेनी होती है ये। फिर इधर से ऐसे, हाँ
ये देखिए, तो ये पल्ला कटिंग हो गया। तो इसमें हमें हाफ स्लीव्स बनानी है, यानी कि हमें फुल बाजू नहीं बनानी है, हमें छोटी बाजू बनानी है, क्वार्टर नहीं बनानी है। अब दोनों पल्ला को अलग अलग करेंगे। ये तो पीछे का पहले अलग हटा देते हैं, उसके बाद अब हम आर्म होल में आगे वाले में हाफ इंच का ज़्यादा गोलाई देना होता है, इससे हमारी आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट बनती है, उसमें झोल नहीं आती है, तो वो देते हैं। देखिए कैसे देते हैं, तो ये हम लेंगे आगे वाला पल्ला और इसमें सिर्फ हमें आगे वाले में ही ऐसे हाफ इंच का गोलाई देनी होती है, तो ये गोलाई दे देते हैं। तो ऐसे लेंगे, ये तो यहाँ हमने इसमें गोलाई दे दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हिप वाला और ये फिटिंग वाला जाएगा। तो ये हो गई हमारी आगे वाली पल्ला, और पीछे वाले पल्ला में सिर्फ हमें नेक की साइज थोड़ी सी बढ़ा देनी है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं, पीछे में हम थोड़ा सा डीप रखते हैं। तो यहाँ से ऐसे लेंगे, बस यहीं से मिलाएंगे ऐसे, और कर लेंगे इसकी कटिंग, थोड़ा सा हमें बढ़ा देनी है। तो यहाँ पे हमने बढ़ा लिया, तो ये हो गया नेक। अब हमें क्या करनी है, नेक की पट्टी कटिंग करनी है, उसके बाद बाजू कटिंग कर लेंगे। तो नेक की हम पट्टी कैसे कटिंग करते हैं वो देखिए, तो इसको हटाएंगे, ऐसे रखेंगे, और ये जो है इसको हमें क्या करना होता है, पट्टी कटिंग करने के लिए इसको ऐसे डबल रखेंगे। देखिए नेक की पट्टी जो हम कटिंग करते हैं इसको डबल रखते हैं, उसके बाद ऐसे इसको रखेंगे ये, उसके बाद इसको हम ऐसे सेफ में देते जाएंगे, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ हमने इसको सेफ में दिया और इसके बराबर रख लेते हैं, ऊपर से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि अंदर की तरफ हमें फोल्ड करनी होती है, ऊपर वाले को भी फोल्ड करनी होती है। अब यहाँ से हम एक एक इंच का मार्क लगाते हुए, ये ऐसे हमने मार्क लगा लिया, अब इसको हमें गोलाई में सेप देनी होती है, तो वो वाली सेप दे देते हैं, ये देखिए। तो यहाँ हमने गोलाई सेप दे दिया है, अब दूसरे वाले पल्ले का गला निकालते हैं। तो इसका भी उसी वही पट्टी ऐसे ही रख लेना है, सेम टू सेम कटिंग करना है ऐसे, फिर इसको ऐसे डालेंगे और इसको भी इसी तरह से मार्किंग करते हुए नेक निकाल देंगे। थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमें डीप रखनी है, ऊपर हमने बढ़ा के कट किया है सेफ के लिए। अब एक एक इंच का डॉट देते हुए छोड़ते हुए, देखिए एक एक इंच ये होना चाहिए इसका, उसके बाद एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ हमने इसको भी कटिंग कर लिया, ये भी पट्टी और ये भी पट्टी, दोनों की नेक की पट्टियाँ कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स कटिंग करनी है, यानी कि बाजू। तो कैसे कटिंग करेंगे वो देखिए, तो यहाँ से इसको हम ऐसे लेते हैं, ये यहीं से निकाल देंगे, हमें छोटी बाजू बनानी है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनानी है। तो हमें नाप लेना है, जिस भी नाप का आप कटिंग करते हैं। तो ये हमारा फुल बाजू था, तो बट मैं इसकी हाफ बाजू बनाऊंगी, तो इसको हम जितना भी बनाना है तो मुझे इतना ही बनाना है। तो वहाँ से इसको ऐसे रख लेंगे और यहाँ से ऐसे मार्क लगाएंगे, और ये रेडी वाली, और यहाँ से, और यहाँ से रेडी वाली, इसके बाद इसको फिटिंग का मार्क लगा देंगे। उसका इसमें हमें सेफ देनी है, ये देखिए ऐसे रेडी, और इतना मार्जिंग, मार्जिंग बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि बिना मार्जिंग के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कभी लूज करनी होगी। तो हम इधर वाले सेप देते हैं, हमने ऐसे उलट लिया है। अब यहाँ से हम
देते हैं। दोनों पल्ला को अलग अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ इसमें हमें सेफ देना है। ये देखिए, अब यहाँ एक कट लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को, इधर साइड इसमें भी सेप दे देते हैं। ये देखिए, तो सारे कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिटिंग मार्क लगाना है, तो एक बार इसको रख लेंगे ऐसे ये, और इसी से हमें फिटिंग मार्क लगा देना है। तो हमने इससे इतना छोटा बाजू रखा है। अगर आप चाहें तो इसके साइज से लॉन्ग बाजू भी बना सकते हैं, बट मुझे छोटी बाजू बनानी थी क्योंकि जस्ट गर्मी बहुत आ चुकी है, इसलिए मैं छोटी बाजू बना रही हूँ। इसमें भी फिटिंग मार्क इतना पे लगा लिए, तो हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई। चलिए मैं सो करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हो गई पीछे वाली पल्ला और ये हो गई इसकी पट्टी। हमने इतना बढ़ा के रखा है कि ऐसे हमें पलट कर फोल्ड करनी होती है, तो इसलिए हमने इसको बढ़ा के रखा है। तो मैं इसको अंदर की तरफ ऐसे कर लेती हूँ। तो ये हो गया पीछे वाला पल्ला और मैं आगे वाला दिखाती हूँ। ये हो गया आगे वाला पल्ला, उसके बाद ये हो गया गला का पट्टी, ये, उसके बाद ये हो गया बाजू, ये दोनों। तो फ्रेंड्स, सबसे इजी कटिंग हमने बताया, तो स्टेप बाय स्टेप कटिंग कंप्लीट हो गई। तो कैसी लगी आज की कटिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय ऑल।